हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। लास्ट में हमने ये समझा था कि किस तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हमने इसको समझा था इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट सिस्टम को। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, क्या इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें लोग इसको पॉइंट्स वाइज एनालिसिस करते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट सिस्टम आर यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एज मेंशन बिलो। फर्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। जिसमें कि पहला एग्जाम्पल आता है जैसे कि अमीटर या वोल्ट मीटर। अमीटर या वोल्ट मीटर जो इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज बींग मॉनिटर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर आपको पता है करंट को मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर। वाटर यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर इंस्टॉल एट होम्स कीप ट्रैक ऑफ कम्युनिटी यूज्ड शो दैट लेटर ऑन द कास्ट मे बी कंप्यूटेड टू बी अ रिलाइज फ्रॉम द यूज़र। जैसे आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है जो कि आप जो भी अप्लाइंसेस घर में यूज़ करते हैं, कितना भी यूज़ कर रहे हैं, कितने देर यूज़ कर रहे हैं और कितना पावर कंजेशन हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है हमारे मीटर में। चाहे वाटर सप्लाई की बात करते हैं, वाटर कंजम्पशन के भी मीटर आते हैं, गैस मीटर्स भी आते हैं। तो दिस वे इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। सेकेंड बात कर लेते हैं कि दैट इज़ योर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन की बात कर ले तो टिपिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच एम्प्लॉयज़ अ थर्मोस्टैटिक कंट्रोल। जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर आपके घर में होगा तो किस तरह से क्या काम करता है, क्या उसका बेसिक फंक्शन होता है, ये आपने देखा होगा। दैट इज़ टिपिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच एम्प्लॉयज़ अ थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, जिसमें क्या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस सेंसिंग द रूम टेम्परेचर दस प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स टिपिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच एम्प्लॉयज़ अ थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, और जिसमें की बात करते हैं टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस सेंसिंग द रूम टेम्परेचर दस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। एंड थर्ड बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस की किस तरह से इसको स्टडी आउट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सर्वल यूजेस की। इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस हैज़ अ सर्वल यूजेस, जिसमें कि कुछ जो है वो बिलो है। फर्स्ट दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम पैरामीटर। सबसे पहले जरूरी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स वेरिएबल्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बात करेंगे। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस की एनालिसिस करेंगे। थर्ड वन दैट इज़ सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एनालॉजीज। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइज एम्पेरिकल रिलेशनशिप इन केसेस वेयर नो प्रॉपर थियोरेटिकल बैकिंग एग्जिस्ट्स। और फिर आगे बात करेंगे कि डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट इन इम्पॉर्टेंट स्पेयर्स ऑफ स्टडी वेयर देर इज़ अ एम्पल स्कोप ऑफ स्टडी। दिस वन ईयर द एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो इसको हम लोग तीन पॉइंट में एलोबेट किया हम लोगों ने। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन क्या है मेजरमेंट सिस्टम के। फर्स्ट दैट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। सेकेंड वन दैट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। एंड द थर्ड वन योर दैट इज एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो व्हाट आर द मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस, मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो क्या क्या आएंगे। तो मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट दैट इज योर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड वन दैट इज़ योर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें फर्स्ट आता है एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर एंड डेड जोन। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर एंड डेड जोन। फिर सेकेंड ऑनवर्ड्स बात करते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में आएगा आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, मेजरिंग लैग, फिडिलिटी एंड डायनेमिक एरर। दीज आर द मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस। दिस वन इज हाईलाइटेड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।